अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने 9 बजे स्टार्ट किया और बॉस का मैसेज आया, क्योंकि वीकेंड था, 2 दिन थे तो, और लॉकडाउन लगे हैं मेलबर्न में, तो बहुत ही बिजी है। तो अभी जा रहा हूँ लेवर्टन, वहाँ से पिकअप करना है फुल ट्रक, क्योंकि लॉकडाउन लगे हैं तो हर वेयर हाउस और जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिज़ी हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग इस जैसे टाइम में ज़्यादा हो जाती है। तो आज का दिन बहुत ही बिज़ी रहने वाला है। मैं ट्राई करूँगा कि दरमियान में रिकॉर्डिंग कर सकूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ट्रक में डीजल कम था तो मैंने सोचा बिज़ी होगा आज, तो वह पहले से ही ट्रक में डीजल डाल देते हैं, फिर बाद में लेट हो जाएंगे। ट्रैफिक तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि जब भी लॉकडाउन होते हैं यहाँ पे लोग इतने फिर बाहर नहीं जाते, तो उम्मीद है कि आज ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन बिजी तो है क्योंकि एक्स्ट्रा डिलीवरीज हैं आज, ज़्यादा है आज। नॉर्मली मैं 4-5 डिलीवरीज करता हूँ दिन के 9 घंटों में, और आज ज़्यादा है तो 3 एक्स्ट्रा डिलीवरीज करनी है मुझे आज। आज का दिन तो बिजी रहने वाला है, तो इसलिए से पहले ही से मैंने सोचा कि ट्रक में डीजल भर देते हैं, फुल कर देते हैं टैंकी, के बाद में कोई मसला ना हो। अच्छा दोस्तों, अभी बस मैं लास्ट डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, लास्ट डिलीवरी पिकअप कर लूँगा वहाँ से। टलमरीन से यहाँ तक से तकरीबन 25-30 मिनट का रास्ता है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिनिश, और फिर कल एक दिन काम करूँगा, और फिर वेनसडे को छुट्टी है क्योंकि ईद है। ऑस्ट्रेलिया में खुद के रोज भी थे, और लॉकडाउन की वजह से क्योंकि मस्जिद भी बंद होगी तो नमाज के लिए भी नहीं जा सकते, प्लस उसके अलावा घर पे ही रहेंगे, सोएंगे और खाना पकाएंगे। बस एक ही दिन की छुट्टी, फिर दूसरे दिन दोबारा काम के लिए। ये लाइफ है ऑस्ट्रेलिया में हमारी। तो अपने मुल्क में मज़ा करता है कि फैमिली से मिलो, रिलेटिव से, दोस्तों से, तो चलिए बस हमारी किस्मत में यही है। और आप सबको ईद मुबारक।
अच्छा दोस्तों, बस मैं अभी जा रहा हूँ वापस अपने फैसिलिटी डिपो और सारा सामान वहाँ पे अनलोड कर दूँगा। ट्रक को पार करके इंशाल्लाह अपने घर चले जाऊँगा। तो आज का दिन फिनिश, कल भी काम करूँगा और फिर उसके बाद का एक दिन छुट्टी ईद की। आप सबको ईद मुबारक और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।